हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। मेरी आज की क्लास में पेडागोजी के में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट ऑफ वेलकम हेयर। एंड जो हमारी अब तक की क्लासेस चल रही हैं पेडागोजी की, उसमें मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि उसमें क्या क्या सिलेबस आपका हो गया है और कितना पेंडिंग रह गया है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में जो पेडागोजी का दिया हुआ था, जिसके अंदर करिकुलम था, प्लानिंग थी, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स था और आपका इवेल्यूएशन का पार्ट था। ठीक है, मैं आपका इवेल्यूएशन भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आपका प्लानिंग्स भी कंप्लीट हो चुका है, आपका करिकुलम का पॉइंट भी, मतलब जो उसका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हम लास्ट जो हमारी कंटिन्यूस वाली वीडियोस चल रही थी, वो आपकी इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर चल रही थी कि निर्देशन सामग्री क्या होती है, जो टीचर को हेल्प करती है एजुकेशन में और वो बच्चे के लिए भी यूज़फुल होती है, तो उनके बारे में हम सारे बात कर रहे थे। जो उसके अंदर सब पॉइंट थे, टेक्स्ट बुक, टीचर गाइड्स, वर्कशीट और ये सब, वो हमने वन बाय वन कर लिया है। ठीक है, उसी के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ये वाले जो टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर खुद उठा के देखना, आपको इससे कितने सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप खुद चेक करिए, आप उसमें ICT के थ्रू एजुकेशन कैसे देनी है, या ICT के थ्रू एजुकेशन कैसे देनी है, या ICT के थ्रू आप कैसे बच्चे को जज करोगे, या आप क्यों कौन सी क्रियाएं करोगे, कैसे यूज़ करोगे, तो ये सारी बातें क्या हैं आपकी ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इंफॉर्मेशन तो आज का पहले अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फटाफट फिनिश कर लेते हैं, देन आपका जो सेकंड पार्ट का पेडागोजी का रह जाएगा, जिसके अंदर हम स्पेशल चाइल्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन का भी मैं पॉइंट पढ़ा चुकी हूँ, तो उसको भी अभी सिलेबस से साइड रखते हैं। जो रह गया है वो स्पेशल चाइल्ड और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ये सब रह जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप इस मंथ में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको अच्छे से रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा और उसके बाद मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर लूँगी, ताकि वो रिपीटेड जो है आपके रिवीजन भी हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मतलब कैसे पूछा जाता था और अब कैसे उसकी फॉर्म रखी जाएगी। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि मार्केट में एक पतली सी बुक आ रही है सॉल्ट की, सॉल्ट एग्ज़ाम्स और पेपर्स की, हार्डली उसमें 10 और 15 पेपर्स होते हैं आपके, तो आप प्लीज़ उनको अगर लेना चाहते हैं तो आप ख़रीद कर उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको स्किल्स क्या होंगी, आपके एक्सपर्ट होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रही, आप वीडियोस भी देखिए और अपनी बुक से भी पढ़िए और जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगी पेडागोजी से रिलेटेड, और जो लेकिन बाकी सब्जेक्ट और पेडागोजी से भी रिलेटेड जो आपके न्यू टेस्ट पेपर्स आ रखे हैं उनको भी एक बार आप देख नज़र मार लीजिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ओके, तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन देखिए, ICT, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कोई सूचना, इन्फॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना। तो सूचना क्या हो सकती है, हम किसी भी माध्यम से सूचना दे सकते हैं। हाँ, अगर मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है या किसी से मैं बात कर रही हूँ, तो बोलकर मैं उसके लिए कम्युनिकेशंस के द्वारा क्या है, उसको कोई सूचनाएँ दे रही हूँ, वो मुझे कोई सूचना दे रहा है। मैं अगर किसी के साथ फ़ोन पर हूँ, वहाँ पर शायद मैं कोई सूचना दे सकती हूँ। और आप कैसे सूचना दे सकते हो, आप कंप्यूटर के माध्यम से किसी को सूचना दे सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप, वहाँ पे टेक्सिंग, ईमेल, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आपके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप क्या इन्फॉर्म कर सकते हो, किसी को कम्युनिकेशन कर सकते हो किसी के साथ। और कैसे कर सकते हो, टीवी से कर सकते हो, टीवी से तो नहीं कर सकते ना कम्युनिकेशन। हाँ, टीवी से एक थ्रू पे हो सकता है कि आप कहीं पे कहीं जैसे कि किसी रियलिटी शो में जा रहे हो या फिर कोई न्यूज़ चैनल में है कि भाई कोई घटना घट गई है, कोई बिछड़ गया है, तो आप वहाँ पे लापता का वो कर सकते हो, न्यूज़ दे सकते हो कि ये लापता हो गया है या इसकी पहचान करें या इस तरह की चीज़ें, तो वो भी इन्फॉर्मेशन का एक माध्यम है आपका टीवी। ठीक है, तो
आज हम उसकी की बात करेंगे कि जो आपका इन्फॉर्मेशन है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दी गई हैं हमारे आईसीटी और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी एजुकेशन से कैसे रिलेटेड हैं और एजुकेशन में क्या उनके बेनिफिट्स हैं, हम क्यों उनको यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, आईसीटी के अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप पढ़ेंगे, जो अभी तक के मैंने सभी चीज़ों के बारे में आपके लिए क्लासेस दी थी उन सब के बारे में हमने यही सारे पॉइंट्स क्या थे डिस्कस किए थे, ठीक है? तो सबसे पहले मीनिंग पे बात करते हैं कि आईसीटी का मतलब क्या होता है। एक और चीज़, मैं अभी लास्ट जो मेरी 2 और 3 वीडियोस हैं वो ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ही मिली होंगी। मैंने आपको मतलब डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन मेरी हिंदी में है, लेकिन अगर मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे राइट डाउन किया है बोर्ड पे या कुछ भी लिखा है तो वो इंग्लिश में ही लिखा है। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो अगर उनको प्रॉब्लम हो भी रही है, वैसे तो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम में आईसीटी ही पूछते हैं, इसका हिंदी वर्जन नहीं पूछेंगे आपसे। अगर हिंदी भी पूछेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, आपको खुद लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो इसीलिए आप इंग्लिश जो आपके बाइलिंगुअल में एग्ज़ाम आता है आप इंग्लिश पोर्शन देख लीजिए, आईसीटी पूछा है देन आप उसको अपने हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है? तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर किसी का मतलब या कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे मैं एक्सप्लेन हिंदी में करती हूँ ताकि दोनों बच्चों को समझ आए, आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ, लेकिन अगर किसी को हिंदी मीडियम वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट सेशन के थ्रू पूछ सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं मीनिंग की आईसीटी का मतलब क्या होता है। देखिए, आईटीसी का मतलब होता है, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। द टर्म इन्फॉर्मेशन रेफर टू एनी कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज सच एज अ फैक्ट्स डाटा एंड ओपिनियंस इन एनी मीडियम और फॉर इंक्लूडिंग टेक्सुअल न्यूमेरिकल ग्राफिक कैटलोग्राफिक और नेरेटिव्स एंड ऑडियो विजुअल फॉर्म। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम वन बाय वन लेकर चलेंगे पहले कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, कम्युनिकेशन क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन होता है आपका कि जिसके अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन की जा रही हैं, विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास किए जा रहे हो या किसी भी तरह की आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन ही है, लेकिन हम ऑलवेज क्या करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम एक हेल्दी चीज़ लेकर चलते हैं कि उसका माध्यम ऐसा होना चाहिए हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हो, नॉनसेंस वाली चीज़ें ना हो जो कि मतलब हमारे किसी फ़ायदे का ना हो या बच्चों के किसी फ़ायदे का ना हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इम्पेक्ट करती है। तो इन्फॉर्मेशन एक ऐसा माध्यम है या ऐसी चीज़ है जब हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किन किन माध्यम का, जैसे कि हम कुछ डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, कुछ आंकड़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, जिसका किसी ना किसी के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है? अब इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो तो किसी माध्यम से ही दोगे ना। मैं आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ तो मैं आपको पर्सनली तो जानती नहीं, पता नहीं कितने बच्चे होंगे, लाखों या फिर कितने 100 बच्चे होंगे जो मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे। अगर मैं पर्सनली आपको नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं अपने जो मेरी नॉलेज है या मेरा ज्ञान है वो आप तक पहुँचा रही हूँ। तो कैसे पहुँचा रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, कैसे दे रही हूँ, किसी वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का माध्यम हो गया, ठीक है? तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं या कोई भी डाटा अपने ओपिनियंस का आदान प्रदान करते हैं किसी चीज़ के माध्यम से, तो वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इन्फॉर्मेशन का मतलब समझ आ गया।
अब बात कर लेते हैं पहले टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लिखा है, मतलब इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन भी सेम चीज़ है कि आप अपनी सूचनाएं किसी को दे रहे हो, ओपिनियन किसी को दे रहे हो, और कम्युनिकेशन क्या होता है, विचार विमर्श करना या वार्तालाप करना। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो भी कैसे करते हो, वही सारी चीज़ें, मैं भी एक तरह से आपसे कम्युनिकेट ही कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपको अपनी बात बोल रही हूँ, और आपको कुछ पूछना होता है, अपनी बात बोलनी होती है, तो आप क्या करते हो, कमेंट सेशन से पूछ लेते हो, कॉल कर लेते हो, तो वो सब क्या है, वो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं किसी चीज़ों के माध्यम से, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, अपने डाटा शेयर करते हैं, अपना कुछ भी फैक्ट शेयर करते हैं, तो वो सारा चीज़ें क्या होती हैं, एक सूचना होती है, एक कम्युनिकेशन वार्तालाप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखिए टेक्नोलॉजी के जो वर्ड है उससे ही आपको समझ आ रहा होगा साइंटिफिक कुछ, कि टेक्नोलॉजी मतलब कुछ ना कुछ साइंटिफिक तो होगा, कि कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे आप अभी बोलते हो कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, अब कंप्यूटर्स आ गए हैं, पहले कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन आ गए, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे बैठे हुए आदमी से बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था, फ़ोन्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो पत्र लिखे जाते थे, या सालों दो सालों में क्या था, मिलना होता था। अब तो आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में भी बात कर लो, आपकी चुटकियों में बात हो जाती है, देख भी सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसको डेफिनेशन में ऐसे बोलेंगे, टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और द साइंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू प्रैक्टिकल, ठीक है। मतलब पहले लाइन क्या बोली है कि प्रैक्टिकल फॉर्म है साइंटिफिक नॉलेज की, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द साइंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस, कि एक एप्लीकेशन है नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल की सॉरी। तो उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम साइंटिफिक तरीकों को यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, सुख सुविधाएं करने के लिए। पहले अब आप एक बार अपने घर पर नज़र डालिए, या आप जिस स्थान पे अभी बैठे हो उस पे नज़र डाल के देखो, आपको वहीं पे कितने सारे टेक्नोलॉजीज़ मिल जाएंगे अपने आसपास। आपका लैपटॉप है, आपके पास फ़ोन है, आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, एसी आ रहा है ठंडी हवा फेंकने वाली, ये सारी चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी तो है, कोई ना कोई इन्वेंशन हुआ होगा तभी तो ये सारी चीज़ें बनी, वरना पहले तो पंखा हिलाया करते थे, आज क्यों नहीं हिलाते। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, सिटी एडवांस होती जा रही है, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो क्या है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। अब ये सारी टेक्नोलॉजीज का अगर मैं एजुकेशन से रिलेटेड बात करूं, तो सोचिए कि एजुकेशन में क्या टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का क्या काम है वहां पे कैसे, लेकिन वहां पे आप रेडियो, टेलीस्कोप और स्लाइडर्स जो होते हैं आपके, स्लाइड्स में मूवीज़ दिखाते हो बच्चों को, कंप्यूटर्स यूज़ करने के लिए देते हो, फ़ोन्स का यूज़ करते हो, तो ये सारे क्या हैं, टेक्नोलॉजी हैं। और ये सारे किस चीज़ के काम में आते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस में, ठीक है। कनेक्शन समझ आ गया इन सब का। देन अब बात करते हैं ICT की, ठीक है। हमने बात करी अभी सिर्फ इनके वर्ड्स पे ध्यान दिया कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। अब पूरे की बात करते हैं कि ICT का मतलब क्या होता है, ICT क्यों हमारे एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है, ICT की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ICT स्टैंड फॉर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT किस पे स्टैंड करती है, उसका क्या मतलब है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो याद रखिएगा। एंड इज डिफाइंड एज अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू कम्युनिकेट एंड टू क्रिएट, टू डिसमेट, स्टोर एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब समझ आया कि ICT का मतलब ये है कि हम किन टेक्नोलॉजी टूल्स और रिसोर्सेस के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ नया आविष्कार करते हैं, या कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, या इन्फॉर्मेशंस को मैनेज करते हैं, ठीक है। वो होता है आपका ICT, जिसमें
आप किन्हीं किन्हीं टूल्स का, किन्हीं किन्हीं मोड्स का यूज़ करते हुए अपने एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक हेल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या एक हेल्दी इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचा सकते हैं, जो कि आप किसी भी टाइप के टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। अब टूल्स यही सारे हो गए जो हम अभी बात कर रहे थे, टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन है, इसमें ये भी पढ़ देती हूँ। ICT इम्प्लाइज The technology which consist of electronic device and associated human interactivity material that enable the user to employ them for a wide range of teaching, learning process and additional to personal use. मतलब इसमें ये कहना चाहता है कि ICT जो है वो बेसिकली जो इम्प्लाइज करता है वो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करता है, जिसके हम कुछ जिसके अंदर हम क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, कुछ मटेरियल का यूज़ करते हैं, जो एक आपकी लाइफ को सुखमय या सुख आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, आपको रिलैक्स देता है, जिसका आप अपने पर्सनल यूज़ में भी करते हैं। मतलब एजुकेशन के रिलेटेड के साथ साथ क्या है, ICT का यूज़ आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी करते हैं। अब आप पर्सनल लाइफ में भी तो अपने कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं, मैसेंजर वीडियो कॉल करते हैं, स्काइप आ गया है, पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स आ गई हैं आजकल आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, घर में कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन रेडी है, और केक बनाना है तो ओवन रेडी है, तो किचन से लेके घर का कोई कोना नहीं छूटा हुआ जहाँ पे आपका ICT यानी कि टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो हमारा टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे यूज़ बताया जा रहा है, जिन टूल्स का यूज़ बताया जा रहा है, वो आपका इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप शिक्षा अच्छी करवा सकते हैं, ओन टूल्स का यहाँ पे एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ बैठे बैठे बच्चों को सूचनाएं दे सको, उनसे बात कर सको। तो इन सारे टूल्स का क्या है, यहाँ पे ICT के अंदर उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। आई होप डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ICT की, कॉन्सेप्ट क्या है ICT का। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT दैट कैन हेल्प इन कॉपिंग विद द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। जो IT है आपका, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है IT है, वो बेसिकली आपकी किस चीज़ में हेल्प करती है, कॉपिंग विद द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, कि जो भी इंफॉर्मेशन के माध्यम हैं उनको कॉपी करने में, या वैसा का वैसा ही छपाई करने में, या उनको आगे के लिए आगे फॉरवर्ड करने में, मतलब जो आपके पास है आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका IT है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो आपका किन किन की पॉइंट्स का यूज़ करते हुए क्या क्या सूचनाएँ प्रदान कर सकती है, तो उसमें क्या है कि आप वोकली करवा सकते हो, पिक्टोरिकल कुछ पिक्चर्स सेंड कर सकते हो। आप व्हाट्सअप पे करते हो ना कि आपकी कोई फ्रेंड शॉपिंग के लिए गई है, तो आप करते हो शो मी कैसे शूज़ लेकर आई, कैसी ड्रेस आई, फटाफट पिक क्लिक करी सेंड कर दी, तो पिक्टोरिकल हो सकता है, टेक्सुअल हो सकता है, आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो। आपने वो इमोजीज भी देखी होंगी जब किसी को कुछ बोलना नहीं होता, करके टेक्स्ट कर देता है आपको कि हाँ ठीक है, ओके, मतलब, और कोई सैड होता है तो वो सैडी वाली इमोजी भेज देता है, क्राइंग वाली भेज देता है। तो वो सब क्या है कि आप टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इस टाइप से इंफॉर्मेशन किसी को पहुँचा रहे हो, सिग्नल्स में और इन सब चीज़ों का मतलब यूज़ करते हुए, ठीक है। एनीथिंग दैट रीडर डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रिस्क्राइब नॉलेज इन एनी विजुअल फॉर्मेट वट एवर via any multimedia distribution machines is considered part of domain space knows as information technology. Information technologies के अंदर और क्या क्या चीज़ें रखी हैं इन लोगों ने, कि जो आपका रीडर डाटा होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, क्या वो विजुअल फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको मल्टीमीडिया टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना एक मशीन के थ्रू, वो क्या है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें लास्ट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द एक्टिविटी ऑफ डिजाइनिंग
एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो किस लिए क्या काम करती है? डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, वो डिज़ाइन करती है, मेंटेन करती है और कंस्ट्रक्ट करती है, मतलब बनाती है, एक तरह से डिज़ाइन करना, डिज़ाइन करती है, मेंटेन करती है कम्युनिकेशन सिस्टम को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस क्या करती है, ITC करती है आपकी, यानी कि IT फॉर्म करती है, ठीक है। आपने जो PGT कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं यहाँ पे, जो क्लासेस देख रहे हैं, सभी ऐसा तो नहीं है ना कि सब टीचर बनना चाह रहे हैं तो अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ वर्किंग होंगे, कुछ मल्टीमीडिया नेशनल कंपनीज में काम करते होंगे, कुछ IT फर्म से ही होंगे ज़्यादातर, तो उनको मेरे ख्याल से इस लेक्चर की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा बेटर जानते होंगे कि IT क्या होता है, ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन या ये सारी चीज़ें। आप बस उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको एजुकेशन की तरफ मोड़ कर देखिए, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा कि आप जो काम अपने ऑफिसेज में कर रहे हैं बैठ के, जिन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वही सारी टेक्नोलॉजीज़ अगर आप बच्चे के लिए यूज़फुल बनाना चाहते हो, तो वो आपको एजुकेशन में कैसे हेल्प करेगी, कंप्यूटर्स आपको एजुकेशन में कैसे हेल्प करेंगे, या फिर स्लाइडर्स आपको उसमें एजुकेशन में कैसे हेल्प करेंगे, जो किसी ना किसी, मतलब बच्चों को जो सूचना इन्फॉर्मेशन या बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, चाहे वो किसी भी थ्रू हो, जो मोड्स हमें दिए गए हैं, वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ICT के द्वारा, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन आती है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लासिफिकेशन पूछेंगे नहीं, अगर पूछा भी तो बेसिकली नाम ही पूछेंगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल एंड आपका मॉडर्न, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी तक हमने जो बेसिकली बात करी है वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के पहले अलग अलग मतलब समझ लिए, फिर ICT का मतलब समझ लिया, अब ICT का एजुकेशन में क्या मतलब है, अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, कि ICT का एजुकेशन के अंदर क्या मतलब है, एजुकेशन में उसको क्यों रखा गया है। तो ICT टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ICT के द्वारा जो टीचिंग एनवायरनमेंट है हमारा स्कूल के अंदर, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये फैसिलिटी क्या है, उसके अंदर रखी गई है एजुकेशन के माध्यम से। सेकेंड पॉइंट आता है, ICT enables self-paced learning through various tools such as assignment, कंप्यूटर एसेट्रा, एज द रिजल्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग इंटरफेसेस एज बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल। एजुकेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए या मोर प्रोडक्टिव यानी कि एक हेल्दी कंटेंट बनाने के लिए, अच्छा यूजफुल बनाने के लिए बच्चों के लिए ICT का माध्यम यूज़ किया गया है, जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार से कंप्यूटर और इन सब का यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे क्या हैं कुछ ना कुछ एडवांस सीखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ICT हेल्प करती है जो एजुकेशन में, ICT इस प्रकार से हेल्प करती है कि जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है उसको एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करती है, क्योंकि उनको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है कंप्यूटर और इन सब चीज़ों के माध्यम से, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, या कंप्यूटर्स हो गया, इंटरनेट्स हो गया, आपकी ईमेल्स हो गई, चॉक सेशंस हो गया, ई लर्निंग्स हो गई, वेब डिज़ाइनिंग्स हो गई, इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या है, टीचर जब ये सारी चीज़ों से बच्चे के साथ कम्युनिकेट करती है या उनको सिखाती है, तो वो एक टीचर की कैपेबिलिटी और बच्चे की कैपेबिलिटी भी शो करती है हमें, कि टीचर को पहले उसकी कितनी जानकारी है और बच्चे को किस रूप में उसकी जानकारी दी जा रही है, ठीक है।
इसके अंदर अब लास्ट पॉइंट आता है कि एजुकेशन में आईसीटी एक जो हेल्प कर रही है हमारी, वो सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड प्रोसेस यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। देखिए आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं हो, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप अगर मैथ्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो और कंप्यूटर के बच्चे को क्लासेस दे रहे हो बाद में, तो वो सारी क्या है, कंप्यूटर की क्लासेस में बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। जब आप को बच्चे को कंप्यूटर की क्लासेस में लेके जाते हो, बच्चे को नेट यूज़ करना सिखाते हो या बाकी चीज़ें, वो ड्राइंग भी करता है, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी वो मैथ्स का यूज़ कर सकता है, साइंस का यूज़ कर सकता है, कुछ नया सर्च कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, जो हमारी आईसीटी है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लागू करने में भी क्या है, हमारी हेल्प करती है। ओके, अब बात करते हैं इसके यूजेस पे, मतलब व्हाई आईसीटी इन एजुकेशन। जो भी हमने पढ़ा कि आईसीटी को एजुकेशन से कैसे रिलेटेड किया जाता है या क्या उसका महत्व है, वहाँ पे क्यों रखा जाता है, तो अब वो एक बार को सोचिए कि व्हाई यूज़ इन आईसीटी, सॉरी व्हाई आईसीटी इन यूज़ इन एजुकेशन, क्यों रखी जाती है एजुकेशन के अंदर आईसीटी। तो बेसिकली फर्स्ट तो आपका यही पॉइंट आता है कि इंटीग्रेट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए रखी जाती है, ताकि टीचर का जो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, बच्चे इंटरेस्ट लें। और उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आता है, दे कैन बी यूज एज अ टूल टू मोटिवेटेड स्टूडेंट टू लर्न द डिफरेंट वे। मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है आईसीटी के डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से सीखना चाहिए और लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। केवल एक किताबों से आप कब तक पढ़ाएंगे, आप एक बार पढ़ाएंगे, 10 बार पढ़ाएंगे, बच्चे कभी ना कभी जाके बोर हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी रखते हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी रखते हैं, उनकी डांस क्लासेस भी रखते हैं। ये सारी जो क्लासेस की जाती है बच्चे के साथ, ये किस लिए की जाती है, ताकि बच्चा क्या है और ज़्यादा मोटिवेटेड हो और बच्चे को वेज मिले अलग अलग टाइप से लर्निंग करने के लिए, ठीक है। इसलिए भी आईसीटी हमारा बहुत यूज़फुल है हमारी एजुकेशन के अंदर, क्योंकि वो ऐसे रास्ते देता है जिससे बच्चे अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यमों से क्या है, लर्निंग कर सके। आईसीटी कैन बी हेल्प इफेक्टिव एंड इनिफिशियस, मतलब इफ़ेक्टिव लर्निंग कराने के लिए आईसीटी हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब बच्चे जाके खुद से लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मैम के इंस्ट्रक्शन के अंदर जो टीचर होती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, पेंटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ मीडियम्स मोड्स नए देखते हैं, तो हर किसी को स्टार्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, वाओ कंप्यूटर चलाएंगे, कंप्यूटर सीखेंगे। जिनको अब आता है कंप्यूटर यूज़ करना, उनको बोरिंग लगता है कि कौन बैठ के काम करे, उनको काम करना मुसीबत हो जाता है, तो उसको यूज़ वैसे फालतू में क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जिनको नहीं आता है या जिनके लिए उसके लिए इफ़ेक्टिव लगता है, तो वो क्या करते हैं बच्चे कि स्टार्टिंग में ही क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप स्कूल्स में यही चीज़ रखी गई है कि अगर आईसीटी का यूज़ स्कूल्स में करोगे, तो बच्चों की लर्निंग इफेक्टिव बनाई जा सकती है, बच्चों के लिए बहुत सारे मोड्स आप फैसिलिटीज़ अवेलेबल वहाँ करा सकते हो उनके एजुकेशन में, जिससे बच्चे और ज़्यादा सीखने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आईसीटी गिव्स लर्नर इमीडिएट एक्सेस टू रीच सोर्स मटीरियल। जो आईसीटी है वो सबसे ज़्यादा जल्दी आपको किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने आने में हेल्प करता है। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको किसी कंटेंट से रिलेटेड कुछ ढूंढना है, मैंने कोई टॉपिक दिया, फॉर मैंने यही टॉपिक दे दिया आपको स्कूल के अंदर 10th क्लास के बच्चों को या कुछ भी, कि आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर 15-20 लाइनें लिख कर आइए या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अगर किताबें छाटने बैठेंगे कि ये वाली किताब से ढूंढा, इस वाली किताब से ढूंढा, लाइब्रेरी गए, तो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से कि उसमें वो वाला डाटा है नहीं है जो आप सर्च कर रहे हैं। फिर कहीं और से ढूंढेंगे, देन सबको कलेक्ट करके, इंटीग्रेटेड करके क्या लिखोगे, नोट्स बनाओगे। तो इसीलिए शॉर्ट मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे बैठिए, आईसीटी के बारे में सर्च करिए,
डायरेक्ट आपके पास सब कुछ आ जाएगा कि वो कैसे है, कहाँ है, क्या उसका मतलब है, स्कोप क्या है, क्या क्या, उसका डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालिए और छाप दीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो ICT हमारी एजुकेशन में हेल्प करती है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस है उसको हेल्प करने में हेल्प करती है हमारी, कि बहुत जल्दी बच्चों के लिए क्या है कंटेंट इकट्ठा करने में या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, हम बच्चे से बहुत जल्दी क्या है इससे इफेक्टिव लर्निंग करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ITC, ICT का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। अब सीधी सी बात है, इतनी देर से हम लोग बात ही कर रहे हैं कि ICT क्या है, कैसे हमारी एजुकेशन के लिए अच्छा है, क्या चीज़ नहीं है, तो सबको समझ आ ही गया होगा कि ICT होता क्या है बेसिकली, तो इतना सोच विचार करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। पहला पॉइंट लेते हैं कंटिन्यूस लर्निंग। ठीक है, ITC के माध्यम से बच्चों की एक कंटिन्यूस लर्निंग कराई जा सकती है, मतलब सतत जो उसका अधिगम है वो कराया जा सकता है, कंटिन्यूस वे में तोड़ा नहीं जा सकता उसको। वो कैसे, मान लीजिए आपने अभी किसी चीज़ की लर्निंग बुक के अकॉर्डिंग कराई है, बुक से पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे उसके बारे में और अच्छा जानें या और इंटरेस्ट लें या बच्चे खुद से सर्च करें, तो बच्चे किसका यूज़ करेंगे, ICT का। आप उनको कंप्यूटर लैब्स में लेके जाइए, अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराइए, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब वो सर्च करेंगे और उनके पास और ज़्यादा डाटा आएगा, तो एक कंटिन्यूस लर्निंग के लिए आप वहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट क्या है वहाँ पर टूटता नहीं है। ठीक है, और अगर आप किसी और चीज़ के माध्यम से बच्चों के लिए लर्निंग करवाएंगे तो शायद एक टाइम पे आके क्या है बच्चों का वहाँ पे इंटरेस्ट टूट जाए, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं टूटेगा, वो कंटिन्यूस अपनी लर्निंग से कनेक्टेड रहेंगे और किसी भी बात की उनको प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने पे नहीं मिलेगी कंटेंट के थ्रू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है डायनामिक रिसोर्सेज एंड मेथोलॉजीज एंड इनोवेशन, मतलब जो मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं आपके टीचर के थ्रू, तो उसको क्या है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है ICT के थ्रू। अगर किसी टीचर को अपने कंटेंट से रिलेटेड कोई टीचिंग एड नहीं मिल रही है या उसको ये नहीं पता कि उसको हम ईजी वे में कैसे पढ़ा सकते हैं या क्या उसमें नई नई एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं या बाकी चीज़ें उसमें क्या आप ऐसी रखोगे कि अच्छी हो ताकि बच्चे बहुत अच्छे से सीखे, तो उस वे में भी आप क्या कर सकते हो ICT का यूज़ कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपके कंप्यूटर्स आ गए या मान लीजिए आपको कोई एक्सपर्ट पता है तो आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो इनका यूज़ करते हुए, कि कम्युनिकेशन के थ्रू आपने किसी एक्सपर्ट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है, वो बच्चों को सुनाई जा रही है, या कम्युनिकेशन टेलीफोनिक के थ्रू आपने उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी ITC हेल्प करती है आपकी बेस्ट लर्निंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है डिजिटल एंड इन्फॉर्मेशन कंपटेंस ऑफ स्टूडेंट्स। डिजिटल एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आप बच्चों को एक अच्छी जानकारी प्रदान कर सकते हो ICT के माध्यम से, वो भी आपके एजुकेशन में हेल्प करता है, वो भी महत्व है, इम्पोर्टेंस है ICT की। देखिए, बच्चे को केवल हम स्कूल में इसलिए नहीं लेके जाते हैं कि बच्चे को केवल अकेडमिक रिकॉर्ड देना है, मैथ साइंस में नंबर उसके देखने हैं, बाकी कुछ नहीं देखना। आप उसको स्पोर्ट्स पीरियड भी रखते हो ताकि वो फिज़िकली फिट हो, आप उसको डांस में भी इन्वॉल्व करते हो, सिंगिंग में भी, डिबेट में भी इन्वॉल्व करते हो। क्यों इन्वॉल्व करते हो? ताकि उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, राइट? तो अगर वो कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहा है स्कूल के अंदर, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसका डेवलपमेंट ही है। वो अपनी सोसाइटी की जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उनको सीख रहा है, उनको जान रहा है, वो सीखेगा, अपने फ्रेंड सर्कल को सिखाएगा, अपने बच्चों को सिखाएगा, बाद में उनको उनकी इम्पोर्टेंस बताएगा, हर चीज़ बताएगा कि आप उसको एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि जो फ़ोन है, ठीक है, बर्बादी की जड़ है, बच्चे इतने फ़ोन में घुसे रहते हैं, लेकिन फ़ोन ये नहीं है कि बर्बादी की जड़ है, इंटरनेट बर्बादी की जड़ है, वो एक इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई है, अगर कोई बच्चा उसका ढंग से उपयोग करे या ढंग से उसका यूज़ करे, जिसको उसकी इम्पोर्टेंस पता होगी, तो देखिए बच्चे घर बैठे भी पढ़ लेते हैं, वो कुछ ना कुछ नया, उनको ट्यूशन क्लासेस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती,
अब आप जॉब कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट्स नहीं जाते, वहाँ पे क्यों पैसा खर्च करोगे? आपके पास बुक्स हैं, आप फ्रीली मेरी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, किसी और की वीडियोस देखते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो नेट से, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेट का ही यूज़ कर रहे हो ना आप, आईसीटी टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हो। तो जब हम उनको सही वे में यूज़ करते हैं तो हमारे लिए वो हेल्पफुल रहती हैं, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ का आप गलत वे में यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपके लिए वो सही नहीं होंगी। ठीक है, तो इसी चीज़ में है। इसके बाद इसका पॉइंट आता है करिकुलम अपडेट। एजुकेशन के अंदर आईसीटी का एक और जो महत्व है वो करिकुलम अपडेट में है। फॉर एग्जांपल, आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड बच्चों को कुछ पढ़ाना है और आपकी बुक के अंदर इतना ही कंटेंट दिया हुआ है जो आपको खुद समझ नहीं आ रहा, तो आप एज अ टीचर बच्चों को क्या समझाएंगे? लेकिन आपको उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए, या ये चीज़ चाहिए कि बहुत ईजी वे में मुझे कहीं और से समझ आ गए, तब भी आप क्या कर सकते हो, ICTs का यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए और टीचिंग से रिलेटेड हेल्प करने के लिए। क्या है, आप ICT का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपकी हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें आपकी ICT के अंदर हेल्प करती है, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल्स जो हैं आपके। इसके बाद हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि ITC के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि जो हमारा इतना ज़्यादा पेपर वर्क होता है उसको सीमित कर दिया गया है। पेपर वर्क इतना ज़्यादा नहीं होगा अगर आप ICT का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, आप डाटा जो आपको कलेक्शन करना है तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर रख सकते हो, कंप्यूटर के अंदर या अपनी कोई भी टेप के अंदर, रिकॉर्डर्स के अंदर, स्लाइडर्स में और पेन ड्राइव्स का यूज़ करते हुए। तो उन सभी चीज़ों में क्या है, आप ज़्यादा पेपर वर्क ना करते हुए इतना ज़्यादा, क्योंकि पेपर वर्क का क्या होता है, ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। आपने इकट्ठे के इकट्ठे डाटा कलेक्ट करके रख दिया, उसमें क्या है, आपने रख दिया, चूहे खा गए, बारिश आई, ख़राब हो गई, धीरे धीरे उनमें जंग लगने लग गया, तो वो सारी चीज़ें क्या है, ज़्यादा एक टाइम पर आपके ख़राब हो जाएंगी, उस टाइम पर आपको वो यूज़ेबल नहीं होगी आपके लिए। तो इसीलिए जो आपका ICT के एडवांटेजेस में पहला पॉइंट ये आता है, अगर आप ICTs का यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हो, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हो, तो अपने डाटा को आप काफ़ी लंबे टाइम तक सेव करके रख सकते हो, कंप्यूटर के अंदर, रिकॉर्डर्स के अंदर, या फिर आपके पेन ड्राइव्स के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। ये सारे क्या हैं, आपके ICT के एडवांटेज है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर कि इसने मैन पावर को काफ़ी कम किया है। आप एक कंप्यूटर पर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जो पहले कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम होता था, अब अगर एक चादर के ऊपर कढ़ाई की जानी है तो सोचिए कितने सारे मजदूर लगते थे उसमें। ठीक है, कढ़ाई के लिए 10 मजदूर काम करते थे, या जो काम पहले हाथ से किए जाते थे उसमें कितने सारे मजदूर काम करते थे, लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो अब क्या है, उतना ही मैन पावर कम हो गया है वहाँ पे, जो कार्य क्षमता है वो कम हो गई है। तो इसीलिए अब क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मशीन स्टार्ट करी, ऑटोमेटिक मशीन होती है, सब कुछ बिल्कुल आपको लास्ट में लाके चीज़ बना के दे देती है, कढ़ाई बुनाई, पेप्सी बॉटल, कुछ भी करना हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उससे क्या है, थोड़ी मैन पावर भी कम हो गई है, एक फ़ायदा ये भी है। तो एजुकेशन में कैसे कि जो काम, अगर आप कुछ चीज़ की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपको कोई साइंटिफिक तरीके से क्या है, बच्चों को लेक्चर दिलवाना है, या किसी चीज़ की मास के बारे में बताना है, साइंटिफिक कोई नई इनोवेशन हुई है उसके बारे में बताना है, तो आप जाके उस साइंटिस्ट को तो नहीं लेके आओगे कि आप पहले जाओगे, अप्रूवल लोगे, उस साइंटिस्ट से साइन कराओगे, देन उनको पेमेंट करोगे, देन वो अपना टाइम लगा के आएंगे, लेक्चर देंगे, उसके बारे में बताएंगे, क्या ज़रूरत है? कंप्यूटर उठाइए, सर्च मारिए, वीडियो डाउनलोड कीजिए और दिखाइए बच्चों को। तो इसने क्या किया, मैन पावर को भी वहाँ पर कम कर दिया है। एक चीज़ के लिए जब 10,000 लोग लग रहे थे, ज्यादा काम लग रहा था, अब उसी चीज में कम काम और कम लोग लग रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है ICT का यूज। एक और है कि थर्ड पॉइंट के अंदर हमारे एजुकेशन से रिलेटेड कि ICT के माध्यम से बच्चे क्या हैं, बच्चों को बहुत सारे वेज मिल जाते हैं, बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं कोई भी नया काम सीखने के लिए या नए तरीके सीखने के लिए। अगर मुझे पता है
कि बिरयानी ऐसे बनानी है, मतलब इस वाली रेसिपी से बनानी है, मेरी मम्मा की रेसिपी है इससे बनानी है, ठीक है। अब मेरी आंटी ने मुझे बता दिया कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, तो मुझे दूसरा ऑप्शन भी मिल गया। कुछ मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, वहाँ पे भी मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ मिल गई, रेसिपीज़ मिल गई। तो क्या किया, वहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि इस चीज़ को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने ICT का यूज़ करते हुए एजुकेशन के अंदर क्या किया, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स कलेक्ट किए हैं अपनी एजुकेशन को अच्छी दिशा देने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो टू हेल्पफुल है फॉर अ टीचर्स इन एजुकेशन टू इम्प्रूव देयर क्या मेथोलॉजीज, ठीक है, और पेडागोजी साइकोलॉजिस्ट टेक्निक्स स्किल्स ऑल्सो। तो उसमें उसके अंदर क्या चीज़ रखी जाएगी कि जो बच्चे के को पढ़ाने के लिए जो स्किल्स हैं, मेथड्स हैं और आपकी टेक्निक्स यूज़ की जा रही है टीचर के द्वारा, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ITC का यूज़ कर सकते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि नई नई तरीके, अब जैसे पुरानी पुरानी राम कथाएं चली आ रही हैं कि ए फॉर एप्पल ही पढ़ाना है, बी फॉर बॉल ही बच्चों को पढ़ाना है, आप उसमें नई टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ पे फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स यूज़ कर सकते हैं एज अ टीचर। तो अपनी टीचिंग को उतनी ज़्यादा इफेक्टिव और लर्निंग बनाने के लिए भी क्या है, आप ICT का यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ITC का यूज़ किया जाता है, एक टीचिंग लर्निंग बोरिंग ना हो जाए एक टाइम पे, उसको अच्छा वे प्रदान करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए क्या है, हम ICT का यूज़ करते हैं एजुकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि बहुत ज़्यादा फास्टर है, मतलब ICT का अगर आप एजुकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी कार्य करने का क्या है, रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं कि आपने ICT का यूज़ किया और आपको तुरंत ही उसके रिजल्ट्स मिल गए, जल्दी आपने कोई चीज़ सीख ली, या जल्दी आपने किसी चीज़ के ऊपर कमांड हासिल कर ली, या जल्दी आपको डाटा कलेक्शन मिल गया, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ा। तो इसमें भी क्या है कि कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ें जो ICT के माध्यम से टेक्नोलॉजीज़ रखी गई हैं एजुकेशन के अंदर, उसमें क्या है, इतना अच्छी हमें चीज़ें दे दी गई हैं जिससे हम अपनी एजुकेशन को और बाकी चीज़ों को क्या है, बहुत फास्ट बना सकते हैं, जिससे कि अपनी अगर मान लीजिए आज मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मेरा चैप्टर ब्लैक बोर्ड और बुक्स के माध्यम से क्या है 3 दिन 4 दिन 5 दिन ले जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉपर समझ नहीं आता है, लेकिन मैं उसी चीज़ को कन्वर्ट करके कंप्यूटर स्लाइडर्स मूवीज़ या फिर किसी ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाऊँ, तो बच्चे वो 2 ही क्लासेज में सीख जाएंगे और वो भी इतना अच्छा सीखेंगे कि फटाफट उनके लिए परमानेंट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपकी यूज़ करती हैं ICT के इम्पॉर्टेंस के अंदर, सॉरी एडवांटेज यूजेस के अंदर, कि यहाँ पे ICT के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे लिए कि हम ICT का क्या है यूज़ करते हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अब इसके लिमिटेशन क्या है। देखिए लिमिटेशन भी इसी प्रकार से हैं जैसे इसके फ़ायदे हैं, तो नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या होंगे इसके, कि नुकसान पहला तो इसमें यही है कि जो हमारे ICT है, कई बार हमें कुशल अध्यापक नहीं मिलते हैं जो ICT का प्रॉपर वे में उनको नॉलेज हो, टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज हो, उनको कैसे यूज़ किया जाना है, क्या क्या नई चीज़ें बच्चों को सिखानी है, क्या नहीं सिखाना, तो उस वे में क्या है हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते हैं प्रॉपर वे में, टीचर की कमी हो जाती है, उनके ज्ञान की कमी हो जाती है, इस वे में ITC का एजुकेशन के अंदर यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है कि सेकेंड पॉइंट आ गया उसकी लिमिटेशंस में, कि जो फास्टर्स है, कई बार ऐसा होता है कि जो हमने डाटा कलेक्शन किया है, डाटा कलेक्ट करके रखा है, वो भी उड़ जाने का, हैंग होने का या कंप्यूटर करप्ट होने का एक माध्यम वहाँ पर भी है हमारे, उसके लॉसेस हैं कि वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें लॉसेस झेलने पड़ते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि आपने जो डाटा कलेक्ट करके रखा है या बाकी चीज़ें ICT से रिलेटेड रखी हैं, बच्चों के लिए रखी हैं, तो वहाँ पे वो आपको उसी प्रॉपर वे में क्या है चीज़ें दे, ठीक है।
एक पॉइंट आपका आता है लैक ऑफ प्रोविजन इन प्री सर्विस स्टेज नॉर ऑफ सर्विस स्टेज. एक लैक ऑफ प्रोविजन आता है आपका कि जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आपको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाती हैं जिससे कि आप उसको बहुत अच्छे वे में लेके चल सको या उसका प्रॉपर यूज़ कर सको या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड क्या है उसको जोड़ सको. ठीक है, इसके ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा. जो इसके यूजेस थे मैंने वो आपको बता दिए हैं कि इसके यूजेस क्या थे. अभी बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ आईसीटी, मतलब जो आपके आईसीटी के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं. देखिए पहला एलिमेंट आता है इसमें टीचर. टीचर के लिए कैसे मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ इसके जो की पॉइंट्स हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएंगे. अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ITC एंड पॉसिबल ऑफ फैसिलिटीज लर्नर लर्निंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम ICT. मतलब जो आपके टीचर है उसके लिए कैसे ICT यूज़ करता है कि पॉसिबिलिटीज़ यूज़ करती है ICT के अकॉर्डिंग. जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई है लर्नर्स के लिए, लर्निंग के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, वो टीचर्स को हेल्प करती है. ठीक है, अब लर्नर के लिए कैसे यूज़ कर रही है. यूज़ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज विद क्राइटेरिया एंड कलैबोरेट मैनर विद अदर पीपल फ्रॉम लर्निंग. मतलब लर्नर के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर ज्ञान प्राप्त करना या उसको कोलाबरेट करना या किसी भी चीज़ के ऊपर क्राइटेरियल उसका रखना, तो उसको बहुत जल्दी क्या है ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नॉलेज कलेक्शन हो सकता है, जितना कि वो दूसरे लोगों के माध्यम में आने से सीखेगा. ठीक है, करिकुलम. करिकुलम में कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारा ICT कि करिकुलम को टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, नया उसमें एडवांस कुछ ऐड करने के लिए हमारे करिकुलम के अंदर ICT यूज़ करता है. उसके बाद आती है एजुकेशन पॉलिसीज. एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर कैसे यूज़ करता है, जैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ में आप लॉ रखते हो, बजट रखते हो, इंस्टीट्यूशन और फॉर स्टेटिंग ICT इन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें. उसके बाद आता है एजुकेशन इंफॉर्मेशन, मतलब जिसके अंदर आप नेटवर्किंग सर्विसेज रखते हो कि जिसके अंदर आपने नेटवर्क कलेक्शन किया है वो जो हमारे टीचर्स के लिए और लर्नर्स की कम्युनिकेशन के बीच का एक माध्यम बनते हैं जो उन दोनों के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ये वाला तो हो गया कि लिमिटेशंस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं. एलिमेंट्स भी हमने थोड़े थोड़े डिस्कस कर लिए. अब बात आती है स्कोप की कि आपका ICT के जो स्कोप्स हैं वो कहाँ कहाँ पे है. देखिए स्कोप होते हैं एक जो दायरा होता है उसको तोड़ के अगर आप ICT का स्कोप यूज़ करते हैं तो सीधी सी बात है आप उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो लर्नर्स के लिए, टीचर्स के लिए अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में और गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर्स चेक करने के लिए, मेथोलॉजीज अपनी चेक करने के लिए, वहाँ पर क्या है आप ICT का यूज़ कर सकते एक प्रॉपर वे में. ठीक है, तो ये वाली वीडियो यहीं पे फिनिश होती है इसके साथ. इसके अंदर आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि ICT होता क्या है आपका बेसिकली. लेकिन बेसिकली लास्टली मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपका ICT के नाम से इतना मत घबराइए, उसको तोड़कर सोचिए एजुकेशन से के रिलेटेड में कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस को आप टेक्नोलॉजीज जो हमें दी गई हैं कंप्यूटर, स्लाइड्स, फोन्स और ये सारे, आप उनको एजुकेशन में कैसे यूज़ करोगे. इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर हमने मैप, चार्ट्स और ऑडियो विजुअलेट्स पढ़े थे ना, तो उनके अंदर मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे उनकी इंपॉर्टेंस, स्कोप, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें, एडवांटेजेस, ये सब, तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर हैं. लेकिन बस ये चीज़ है कि कुछ हमें टूल्स मिल जाते हैं यहाँ से, जैसे कंप्यूटर और ये सब चीज़ें, जो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं, समय कम लगता है, मैन पावर बचती है. तो ये सारे फ़ायदे क्या हैं उनमें होने के साथ साथ जो हमारी ITC एजुकेशन से रिलेटेड हमारा यूज़ करती है वो इसी वे में करती है. ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं. इसके साथ आपका इंस्ट्रक्शन मटेरियल कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो आपके स्पेशल चाइल्ड और इन सब चीज़ के बारे में है. तो थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिनको KVS PGT कंप्यूटर साइंस का अपना टेक्निकली सिलेबस चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.